आज आहे प्रेमाचा दिवस अर्थातच व्हॅलेंटाईन डे. खरंतर वर्षाचे 365 दिवस हे प्रेमाचे असतात, पण व्हॅलेंटाईन डे म्हटलं की वेगळीच बहार असते. आणि या निमित्तानं वाराणसी, अहमदाबाद अशा अनेक शहरांमध्ये लाल रंगाच्या गुलाबांनी आणि वेगवेगळ्या भेटवस्तूंनी हे मार्केट बहरून गेलंय. या दिवशी लोक आपल्या प्रेमाच्या व्यक्तींसाठी काहीतरी खास करून वेगवेगळे सरप्राईजेस देतात. आणि अशाच काही लोकांच्या आपण प्रतिक्रिया जाणून घेऊयात. असली तो मर्था अर्थ ये है कि भाई प्यार बांटना, तो हम लोग अपने पूरे सारे परिवार के साथ इस पर्व को मनाया जाएगा. मेरा मानना ये है कि वैलेंटाइन डे दो प्यार करने वालों का दिन होता है. मतलब इस दिन हम लोग एक दूसरे को प्रपोज कर सकते हैं और प्रपोज कर सकते हैं, शादी के लिए बोल सकते हैं. वो वैलेंटाइन डे का मतलब. हम जो वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, वैलेंटाइन डे लोग प्रेम फ्रेंडशिप जो लवर इस टाइप के रिश्तों को इजहार करने के लिए बनाते हैं, लेकिन हमारी जो भारतीय संस्कृति इसकी इजाजत नहीं देती है. हाँ, डेफिनेटली मार्केट तो सजा हुआ है, क्योंकि अब तो इसको एक त्योहार का स्वरूप दे दिया गया है. और जिस तरह से दिवाली पर, होली पर, ईद पर त्योहार सजते हैं और वस्तुएं बिकती हैं, उस तरह से अब जो फूल हैं और गिफ्ट्स हैं वो बाजार में बिक रहे हैं, बाजार सजे हुए हैं. अपने घर परिवार बच्चों के बीच में ही सेलिब्रेट करूंगी, और यही तरीका अच्छा भी है और भारतीय संस्कृति के हिसाब से भी है. जरूरी नहीं है कि प्रेमी प्रेमिका हो तभी वही लोग केवल अपने प्रेम का इजहार कर सकते हैं. हर व्यक्ति अपने प्रेम का इजहार अपने लोगों से कर प्रेमी सिर्फ पति को नहीं कहा जा सकता है. बच्चा है, परिवार है, माता है, पिता है, हमारे दिल में सबके लिए प्रेम होता है. और वैलेंटाइन डे जो है वो प्रेम का प्रतीक है, तो हम लोग इसके लिए अपने प्रेम का इजहार करते हैं बच्चों के प्रति, माता के प्रति, पिता के प्रति, अपने हस्बैंड के प्रति, तो सबके प्रति. तो ये जो धारणा बनी हुई है कि वैलेंटाइन डे ओनली सिर्फ प्रेमी प्रेमिकाओं का दिन है, तो ये मेरा मानना नहीं.